जो स्टैंडर्ड बैंक इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको तो मैंने लेसन शुरू किया था यूनिट नंबर 1 नेम ऑफ द यूनिट नंबर 1 द फोन दे हैड वो आधा लेसन आपको कंप्लीट करा था मिनिमम 1 पेज का द रिमेनिंग लेसन वी हैव टू स्टार्टेड हियर नाउ एंड वी हैव टू कंप्लीट द लेसन चलिए स्टार्ट करते हैं कहां से बाकी था देखिए पेज नंबर 2 पे थर्ड पॉइंट से बाकी था यहां पे द मार्की वाज स्क्रोलफुल मतलब कि मार्की क्या हुई गुस्से हो गई क्यों गुस्से हो गई क्योंकि यहाँ पर उसको पता चलता है कि जो बुक है वो बुक स्कूल के बारे में लिखी गई है शी वाज हेटेड स्कूल मोर देन एनी अदर एल्स वो स्कूल को सबसे ज्यादा हेटेड करती है क्योंकि शी थॉट दैट इट वाज द स्कूल लाइक एट दैट टाइम जो उस समय पे जो स्कूल थी उसी स्कूल के बारे में वो सोच रही है बट आफ्टर 2 years अ सेंचुरी अगो द स्कूल इट मे बी कम्प्लीटली बिफोर सेंचुरी अगो द स्कूल मे बी कम्प्लीटली चेंज बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स go to their one particular buildings and teachers are human beings teachers are human beings not a robots or not a mechanical teachers but the Margie didn't know about the truth so that's why she hated the school and she was scornful wo gussa ho gayi the Margie was scornful school was there to write about the school I hate school main school ko sabse zyada kya karti hu I hate school मार्की ऑलवेज हेटेड स्कूल क्यों स्कूल को हेट करती थी बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर शी द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट उसका मैकेनिकल टीचर था उसको हर रोज टेस्ट आफ्टर टेस्ट दिया जाता था और क्या होता था इन अ ज्योग्राफी एंड शी हैड नॉट बीन डूइंग वो एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स और वो एक भी टेस्ट में पास नहीं हो सकती थी उसका परफॉर्मेंस कैसा था वर्स एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स and was until her mother had shaken her head sorrowfully and sure and sent for the country inspector और वो mechanical teacher को कहाँ भेज दिया sent for the country inspector यानी कि repairing के लिए भेजने वाले थे उसको बुलाया check करने के लिए देखिए क्या होता है आगे तो mechanical teacher कैसा था उसका description दिया है the mechanical teacher was a round little man with a red face कैसा था राम लिटल मैन विद अ रेड फेस उसका चेहरा कैसा था रेड एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद अ डायल्स एंड वायर्स उसके साथ क्या था एक बॉक्स था जिसके अंदर क्या था डायल्स एंड वायर्स आर इंक्लूडेड इन दिस बॉक्स ही स्माइल एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल वो आदमी आया तो क्या हुआ ही स्माइल एट मार्गी एंड गिव हर एप्पल टू मार्गी देखिए देन टुक द टीचर अपार्ट द मार्गी एंड होप he would know how to put it together again और उसको क्या लेगा एक रूम के अंदर लेगा वहां उसको रिपेयरिंग करना शुरू किया मैकेनिकल टीचर को बट ही न्यू हाउ टू राइट एंड आफ्टर एन आवर एक घंटे के बाद आफ्टर एन आवर एंड सो देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अग्ली विद अ बिग स्क्रीन ऑन व्हिच ऑल द लेसंस वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड जो स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस और आंसर्स पूछे जाते थे लिखे जाते थे वो एक घंटे के बाद वो मैकेनिकल टीचर दोबारा प्रेजेंस हो गया दैट मींस द मैन फाइंड आउट द क्वेरीज एंड रिपेयर द मैकेनिकल टीचर दैट वाजंट सो बैड द पार्ट मार्गी हेटेड जो पार्ट को मार्गी ज्यादा हेटेड करती थी द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क किसको ज्यादा थी उसको हेटेड करती थी जहाँ वो होमवर्क करती थी वो स्लॉट को सबसे ज्यादा वो हेटेड करती थी एंड टेस्ट पेपर्स शी ऑलवेज हैड इन अ राइट देम आउट इन अ पंच कोड एंड मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड जब 6 साल की थी तब से पंच करके उस स्लॉट में होमवर्क उसको रखना पड़ता था द मैकेनिकल टीचर इज वेरी क्विकली बिकॉज ही गिवन द होमवर्क एंड चेक द टेस्ट पेपर विद इन अ मिनट विदिन अ मिनट के अंदर स्पॉट पर रखते उसी तरह चेक करके उसको दे देता था एंड द मैकेनिकल टीचर्स कैलकुलेटेड द मार्क्स इन अ नो टाइम इज वेरी वेरी फास्ट तुरंत ही रिसेंटली द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड ही सेड टू हर मदर वो मार्गी के मदर का इंफॉर्मेशन दे रहा है मैकेनिकल टीचर के बारे में It's not the little girl's fault. ये बच्ची का फॉल्ट नहीं है. That's why Mrs. Jones, I think the geography sector was
गियर अ लिटिल टू क्विक, चौदहवें सेक्टर गियर लिटिल टू क्विक यानी कि चौदहवें सेक्टर था वो थोड़ा लिटिल वास्टर फास्ट चल रहा था, मूविंग फास्टर देयर इन द एज पर द एज ऑफ द गर्ल, जो लड़की की एज है उससे उस हिसाब से वो क्या चल रहा था, थोड़ा ज्यादा चल रहा था वो प्रोग्राम, एडवांस हो रहा था। टू क्विक दोस थिंग्स हैपन समटाइम, कई बार ऐसा हो जाता है। आई हैव शोरिड अप एंड आफ्टर एन एवरेज 10 ईयर लेवल पे मैंने उसको रख दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, आपकी बच्ची का प्रोग्रेस कैसा बहुत अच्छा है। ये क्या कह रहा है सब, ये मैकेनिकल टीचर के बारे में उसके मदर को बता रहा है, किसकी मदर को समझ आ रहा है आपको, मार्गी मदर्स। एंड ही पेटेड मार्गी बेड अगेन, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी कैसा हो गई, डिसअपॉइंटेड हो गई, because she hoped that her mechanical teacher would not be repaired, because after sometimes her brother's teachers also history section has been blank out and the all and mechanical teacher take him mechanical teachers to 1 month, but here the same condition is not applied, the mechanical teacher repair within 1 hour, so Margie was disappointed, Margie kaise ho gayi, disappointed ho gayi, she had been hoping they would be take the teacher away altogether, के टीचर को उसके साथ ले जाएंगे, और भी ले जाएंगे उसके साथ में ले जाना। They had once taken Tommy's teacher away for a nearly a month, एक महीने के लिए टॉमी के टीचर को ले गए थे, because the history sector had blanked out completely, history sector पूरा blank out हो चुका था। So she said to Tommy, why would anyone write about school? इसलिए वो टॉमी को ऐसा बोल रहे थे कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है, वो स्कूल को बहुत ही हेट करती थी। नेक्स्ट वन, तो टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आई, सुपीरियर यानी बड़ी आंखों से उसको देखने लगा टॉमी को, टॉमी किसको देखने लगा, मार्गी को, बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, सुपीरियर हमारे टाइप के स्कूल नहीं है, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स यानी कि 100 साल पहले वाले स्कूल की बात कर रहे हैं यहां पे। He added roughly, pronouncing the word carefully, century ago. कितने साल पुरानी है? Century ago. चलिए, Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while. उसने बुक पढ़ी। कि भई ये बुक कैसी है? देखते हैं। Then said, anyway, they had a teacher. फिर Margie क्या कहती है टॉमी को? कोई बात नहीं, वहाँ पे टीचर तो होंगे ना पढ़ाने के लिए। देखो अब टॉमी क्या आंसर देता है, श्योर देयर आर टीचर, हां वहां पे टीचर थे, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, रेगुलर टीचर नहीं थे, पढ़ाने वाले मैन थे, ह्यूमन बीइंग्स थे। देखिए रेगुलर हियर दैट द नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड, जो हर रोज वो टीचर के पास पढ़ती थी वो नहीं थे, ह्यूमन बीइंग टीचर थे। अ मैन, हाउ कुड बी अ मैन अ टीचर, आदमी कैसे टीचर हो सकता है, ऐसा कौन आस कर रहा है, मार्गी टॉमी को पूछ रही है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क, वो सब बच्चों को बताते थे कि भाई कैसा चीज होता है, क्या पढ़ना होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, और होमवर्क भी देते थे, होमवर्क भी चेक करते थे। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और क्वेश्चन भी पूछते थे। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, मार्गी क्या थॉट करती है कि मैन कभी इतने स्मार्ट नहीं होते जो टीचर बन पाए, ऐसा मार्गी की सोच है, उसको पता नहीं था एक्चुअली क्या था। देखिए, sure, he is my father knows and as much as my teacher, he knows almost as much. I यहाँ लिखा है, I betcha यानी क्या मीनिंग है कि informations bet you on fast speeches, fast यानी कि जो भी speech में informations given you that's for the, यहाँ पे लिखा है कि आई एम श्योर, क्या लिखा है, आई एम श्योर द मार्गी वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, सी सेड उसको डिस्प्यूट नहीं करना था टॉमी के साथ, वो क्या कह रहा है, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी, एक अनजान आदमी को मेरे घर में पढ़ाने के लिए आने दूंगी नहीं। तो टॉमी स्क्रीम विद अ लाफ्टर, जोर जोर से हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिडंट लिव इन अ हाउस, टीचर घर में नहीं रहते थे, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, एक खास मकान बनाया जाता था उसको स्कूल बोला जाता था, दे हैड अ बिल्डिंग्स
एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहां पे जाते थे, किड्स यानी कि चिल्ड्रन, पढ़ने के लिए कहा जाते थे, स्कूल में जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे एक ही चीज वहां पे पढ़ते थे. श्योर इफ दे वर द सेम एज, सभी एक ही एज के बच्चे थे, एक ही एज के सभी बच्चे और एक ही स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले सभी बच्चे. बट माय मदर सेज अ टीचर हैज टू बी adjuster to feed the mind of each boy and girl it teaches and that each kids has to be taught differently. हर एक बच्चे को अलग अलग टॉपिक से अलग अलग तरीके से पढ़ाते थे, ऐसे ऐसे बोला जाता था. देखो just the same they didn't do it, they were there. If you don't like it, अब टॉमी बहुत परेशान हो चुका है, क्या कहता है मांगी को, अगर आपको पसंद नहीं है, if you don't like it, don't read the book, book मत पढ़ो. I don't like it. मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे बुक पसंद नहीं है, मार्गी से क्विकली. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, उसको फनी स्कूल के बारे में जानना था, अब उसको इंटरेस्ट पड़ा. कह रहे वहाँ ये ऐसी एक स्कूल थी, पर्टिकुलर बिल्डिंग थी जिसके अंदर सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाया करते थे, टीचर्स ह्यूमन बींग वहाँ पर पढ़ाते थे, और एक ही स्टैंडर्ड के सभी बच्चे एक ही जगह पर बैठते थे, अलग अलग बेंचेस थे, और सभी अलग अलग पढ़ते थे, होमवर्क करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, साथ में लंच करते थे, ब्रेकफास्ट करते थे. They were even half finished when Margie's mother called. Margie's school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones. And it's a probably time for a Tommy too. Tommy का भी स्कूल का जाने का टाइम हो गया. तो क्या करते थे Margie और Tommy, हर रोज स्कूल के टाइम पे स्कूल में पहुंच जाते थे. Here the school is Tommy's and Margie's room. That the mechanical teacher has been perfectly situated. Mechanical teacher वहाँ पे था and taught them, और उनको सिखाता था. ठीक है, आगे देखते हैं. Now, maybe Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school? आपके स्कूल के बारे में उसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकती हूँ? Maybe he said nonchalantly. He walked away whistling. The dusty old books tucked beneath his arm. जो डस्टी यानी कि जो धूल ऊपर कुछ थी वो बुक उसको हाथ में लेके चला जाता है. Margie went into the school room. It was a right next to her bedroom. और उसके स्कूल के उसके बेडरूम के बाजू में उसका स्कूल का रूम था. And the mechanical teacher was and waiting for her. और मैकेनिकल टीचर उसकी वेट कर रहा था कि चलो Margie आ जाओ पढ़ना शुरू करते हैं. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. Saturday and Sunday के अलावा हर एक टाइम वो हमेशा पर्टिकुलर तैयार रहता था मैकेनिकल टीचर Margie को पढ़ाने के लिए. चलिए आगे देखते हैं. Because यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिया गया है. Because her mother said little girls learn better if they learn at regular time. उसके मदर कैसा मानना था अगर छोटे बच्चे रेगुलर टाइम पे पढ़ते हैं तो अच्छा पढ़ सकते हैं, उनकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज एरिथमेटिक्स लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. आज का एरिथमेटिकल लेसन क्या है? एडिशन ऑफ द फ्रैक्शंस. देखिए टूडेज एरिथमेटिक लेसन इज वन ऑफ द एडिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क्स इन अ प्रॉपर स्लॉट. यस्टरडे का होमवर्क आप प्रॉपर स्लॉट में डालिए, ऐसा वो मैकेनिकल टीचर Margie को बताता. बट Margie वॉज नॉट देयर एक्चुअली फिजिकली देयर, बट इन माइंड शी थॉट अबाउट द ओल्ड स्कूल. अपने माइंड से वो किसका सोच रही थी? ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी. दैट मीन्स शी वॉज नॉट प्रेजेंट देयर विद मेंटली. द Margie डिड सो विद अ साइन. उसने पेपर वहां पे रखा स्लॉट में. शी वॉज थिंकिंग अबाउट दैट द ओल्ड स्कूल. There when her grandfather was a little boy, जब grandfather जब छोटे थे और वहाँ पे स्कूल में पढ़ने जाया करते थे, उस स्कूल के बारे में वो सोच रही थी. देखिए, all the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. Schoolyard में सभी बच्चे हंसते खेलते एक साथ जाया करते थे. Sitting together in the school room में एक साथ बैठा करते थे. Going home together at the end of the day, और दिन अंत एंड हो जाता है लगभग अप्रोक्सीमेटली ऐसा बोल सकते हैं कि 7:30 टू 12:30 या 7:30 टू 1:30 का जो स्कूल का टाइम होता था, आफ्टर 1:30 ऑल द चिल्ड्रन टुगेदर गो टू द स्कूल, कम आउट ऑफ द स्कूल विद अ लाफिंग चीयरिंग एंड जॉयफुली केम आउट ऑफ द स्कूल एंड गोज विद अ फ्रेंड्स टू टू द रिस्पेक्टेड होम.
They learn the same things, so they could help one another with the homeworks and talk about it. And the teacher were people. But teacher क्या थे वो? Real people. That's not a human being, not a mechanical teacher. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions and 1/4, 1/2. As a mechanical teacher उसको बता रहा था कि मार्गी यहाँ पे look at मार्गी. But Margie was thinking about how the kids must have loved in the old days. पहले बच्चों को पुराने दिनों में कितनी मजा आती होगी. She was thinking about the fun they had. उनको कितना मजा आ रहा होता. वो सब सोच रही थी. वो वहाँ पे थी नहीं. ठीक है, इस तरह मैंने ये लेसन कंप्लीट किया. आपको लेसन के बेस पर सिनोनिम्स, एंटोन, वर्ब, नाउन एंड एडजेक्टिव ये सारे क्लिक करके ऑलरेडी मैंने भेजे हुए हैं. वो आपको टू टाइम लिख के लर्न करने हैं. आपको टू टाइम टू राइट एंड लर्न. रिमेनिंग लेसन कंक्लूड द नेक्स्ट डे. ओके.